चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चीत दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा काबख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, ये बात सुना राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दिन को बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब हाल। ये बात राजा के घर में धामधनी अक्षरातीत, ये बीतक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रम को जोड़ते हुए हम आज लगातार 3 दिन से पन्ना जी के घटनाक्रम में श्री छत्रसाल जी, श्री छत्रसाल जी का मिलाप, श्री जी के साथ मिलाप के बाद पहचान और पहचान के बाद कुर्बानी, वर्षों भी हमने छत्रसाल जी की पहचान पर विस्तृत वर्णन सुना, और कल के प्रसंग में भी छत्रसाल जी ने जो अक्षरातीत के स्वरूप में पूर्ण पहचान कर ली, ये प्रसंग हम जब सतगुरु धनि श्री देवचंद्र जी को तीसरा दर्शन जब कांजी भट्ट के वहां श्याम जी मंदिर में जब राज्य के सामने प्रत्यक्ष वार्तालाप हुआ तीसरे दीदार में, तब राज्य ने पूछा कि तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दढ़ कर कहो वचन। और कल भी हमने किरंतन में सुना था, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। यहां हम सब 12,000 ब्रह्मात्मा इस खेल में आई, सब फरामोशी की नींद में, अज्ञानता रूपी की नींद में है। धाम धनी हमको खेल देखावन काज, हम सु आगो आए श्री राज। तो श्यामा जी से लेकर
कल के प्रसंग तक और आज भी शाकुंडल को क्या पूछा कि तू कौन है, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, क्या तू जानती है तू कौन है, तेरा यह आना किस कारण से हुआ। कोई तो कारण होगा कि इस नश्वर जगत में तेरा आना हुआ और तू आई है तो कहीं अलग और स्थान से आई है और घर से आई है, तो ये घर, ये ठिकाना, तेरा असल घर, निज घर कहाँ पर है, क्या तेरे को पता है। नार तू कौन खसम की, तू किसकी अर्धांगिनी है, किसकी आत्मा है। दृढ़ कर कहो वचन, मेरे को पूरी दृढ़ता से सोच समझ कर विचार करके आप कहिए। यही यात्रा जब श्री जी की दीव बंदर से पूर्ण रूप से तेज दौरी से जब चली और श्री जी नगर नगर शहर शहर ग्राम ग्राम देश विदेश में जब भ्रमण कर रहे घूम रहे, और किस लिए, हम सब आत्मा को जगाने के लिए, धूप शीत वर्षा नंगे पैर कहीं खाना ना मिला, कहीं देखो ना, हमने पूर्व ग्राम में देखा कितने दिनों से श्री जी और हमारे सुंदर साथ भूखों बैठे थे, कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं हुई, कहीं जल की व्यवस्था नहीं हुई, ऐसे पैदल चलकर आज धनी हमारे लिए कितने कष्ट उठाए, कितने दुखों का सामना किया, हमने पूरा घटनाक्रम के माध्यम से सुना है कि जहां जहां जाते थे वहां दज्जाल अज्ञानता रूपी राक्षस अपना प्रभाव दिखाता था। ये धाम धनी, बड़े बड़े दावे तो हमने किए थे कि धनी हम आपको नहीं भूलेंगे, लेकिन ये धनी आज पन्ना में पहुंचे हैं और वहां जाके भी हम दावा करने वाली तो सब फिर सो गई, कोई रात दरबार में सो गई, कोई छोटे से घर में सो गई, कोई छोटे से बिजनेस के अंदर डूब गई, कोई छोटी सी नौकरी के अंदर अपना सब कुछ मान के वहां बस अपनी पूर्णता मान ली, तो धाम धनी हंस रहे अंदर से, मंद मंद मुस्कुरा रहे कि अरे तू देख तो और किस तरफ, तेरा असल घर, तेरे प्रियतम अक्षरातीत तू कौन है। तो आज शाकुंडल के सामने श्री जी, आज हम 3 दिन से इस प्रसंग को सुनते आ रहे और आज भी इस प्रसंग की ओर हम आगे बढ़े, तो अगले घटनाक्रम में और अगली चौपाई में अभी हमने सुना कि जब श्री छत्रसाल जी के अंदर औरंगजेब बादशाह के सामने, क्योंकि श्री जी जब दीव बंदर से निकले पन्ना पहुंचे तब तक कितने राजा राणा बादशाहों को संदेश दिया कि जागो ने जोधा उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी छोड़ो, लेकिन कोई भी राजा ने इस संदेश को सुना नहीं, बस सब माया की ओर डूबे हुए थे, कोई परमात्मा की ओर जीवित ही नहीं था, तो इस संदेश को नहीं सुने। हमने देखा जसवंत सिंह ने भी ठुकराया,
वैसे अलग अलग जगह पर उदयपुर गए, रामनगर गए, तो अलग अलग स्थानों में, और दिल्ली में हमारी सकुमार की आत्मा औरंगजेब बादशाह वहां तो मोमिन चार चार मास तक रहे। तो यहां जब साकुंडल के अंदर ये ईमान, ये समर्पण, ये प्रेम, ये निष्ठा, ये श्रद्धा देखी, और कल के हमने प्रसंग में अंतिम सुना कि जब औरंगजेब बादशाह के सामने लड़ने का बल देखा, जोश देखा, तब श्री जी अंदर से क्या विचार करे, अरे ये साकुंडल, ये छत्रसाल जी, ये सत्य धर्म को उजागर करने में आगे आएंगे। और श्री जी खुश होकर, आनंदित होकर छत्रसाल जी को खुलासा ग्रंथ भेंट किया। और आगे चौपाई हमने बोली, ये बात राजा के घर में। और आगे तीसरा प्रसंग शुरू होता है, जो राज दरबारी लोग थे उसी के कोई किसी किसी के मन में क्या विचार आया कि ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर ये लोग है तो हिंदू, लेकिन ये श्री जी, ये सुंदर साथ, ये कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर ये तो है हिंदू लेकिन कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन मैं रोज सुंदर साची एक चौपाई बोलती हूं कि जो कछु कहिया वेद ने, सोई कहिया कतेब, दोनों बंदे एक साहेब के, पर लड़त न बिना पाए भेद। हमारे हिंदू ये काल्पनिक देवी देवता, पत्थर, पानी, शालिग्राम, शिवलिंग की पूजा करते करते अपनी बुद्धि में भी इतनी जड़ता, और संसार को तो ये भी नहीं शुद्ध है कि परमात्मा अनंत प्राणी के अंदर चेतना पूर्ण वाले क्या कोई जड़ मूर्ति में रह सकते हैं? और यहां उसको ऐसा लगा कि भाई कुरान हदीस जो ग्रंथ है वो तो कतेब परंपरा वाले मुस्लिम लोगों के हैं, ये तो हिंदू है महात्मा, और ये कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबके राज दरबारी के दिल में ये संशय बैठा। तब आपने कल सुना कि बलदीवान जो चाचा था, किसका, छत्रसाल जी का, उसकी मानसिकता सबसे अधिक थी, संकुचित भावना वाले थे वो। तो उसने विचार किया कि चलो हम ऐसे करें कि देश के अंदर कोई सर्वश्रेष्ठ, ऐसे कोई उत्तम मर्मज्ञ, काजी, मुल्ला और पंडित लोगों को बुला के धर्म चर्चा करे, शास्त्रार्थ करे कि महात्मा हिंदू वैरागी बन के आए हैं, और हमारे भतीजे छत्रसाल ने एक अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान करके अपना पूरा समर्पण, तन, मन, जीव न्योछावर कर दिया। इतना नहीं, हमारी सुशीला महारानी ने पूरा प्रेम के साथ समर्पण कर दिया और सेवा में लगी है। तो चलो परीक्षा ले शास्त्रार्थ के माध्यम से। तो बल दीवान चाचा ने पहले मुहब्बत के काजी अब्दुल रसूल को बुलाया। किसको बुलाया? अब्दुल रसूल को बुलाया। और अब्दुल रसूल का लालदासी के सामने अभी जो चर्चा होगी, और लालदासी श्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कुरान का एक सवाल पूछा, किसको, अब्दुल रसूल को। और इतना नहीं, उसने आगे ये भी कहा लालदासी ने कि आप जो, मैं सवाल आपको, प्रश्न पूछ रहा हूं,
उसका उत्तर एक ही दीजिए, अनेक नहीं। क्या सवाल पूछा? कि आप जो मैं आपको प्रश्न पूछूं उसका उत्तर एक ही दीजिए, एक का अनेक नहीं, मतलब थोड़ी देर ये थोड़ी देर वो, ऐसे नहीं। एक प्रश्न का उत्तर का एक ही जवाब दीजिए, अनेक रूपों में नहीं। तब ये सुनकर काजी अब्दुल रसूल क्या कहने लगा लालदासी को, अरे अभी तक मेरे सामने कोई कुरान के संबंध में कोई बात ही नहीं कर सकता, आप तो मेरे को लग रहे हैं कि कोई अनपढ़ हो, इसी तरह आप मेरे साथ बात कर रहे हो। और आगे भी अब्दुल रसूल ने बोला कि मेरे को तो अर्थ सहित संपूर्ण कुरान कंठस्थ है, मुझसे कई पीढ़ियों ने कुरान की ट्रेनिंग ली है, अभ्यास किया है, और तुम मुझे ऐसा प्रश्न करते हो। ये सुनकर लालदास जी ने क्या उत्तर दिया, ये सुनकर, क्योंकि पता था कि ये लोग तो जाहिरी दावा लेने वाले मुसलमान है, उसको कुरान के कोई बातुनी गुह्य गोपनीय रहस्य का पता ही नहीं है। तब लालदास जी ने बोला कि हाँ, मुस्कुराते वो अंदर कि हाँ काजी साहेब, मैं आपको भला जानता हूँ, इसलिए तो मैं डरते डरते तो आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को उत्तर दीजिए, और किस बारे में प्रश्न पूछा कि कुरान के अंदर, ध्यान से, कुरान के अंदर कितने प्रकार की पैदाइश लिखी है, कुरान के अंदर कितने प्रकार की पैदाइश लिखी है। आप हे काजी साहेब, आप तो बहुत मर्मज्ञ विद्वान है, आपने बोला कि मैं कई पीढ़ियों को कुरान संबंधी बहुत से ज्ञान दिए हैं, तो आप ऐसा करो, बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिए। इतना नहीं, ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ना, वो बहुत गरिमापूर्ण महत्वपूर्ण है। तब काजी अब्दुल रसूल ने क्या उत्तर दिया, अरे भाई, मैं आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ये कुरान से विपरीत मैं क्यों अर्थ दूं, उससे उल्टा मैं अर्थ क्यों दूं, मैं बस जो मेरे अंदर ये खुदा ताला अल्लाह ताला की रहमत मेरे पर कृपा हुई है, और मैं कुरान के माफक की जवाब दूंगा, और जो मेरे को ये जवाब नहीं आएगा अंदर से तो मैं हार मान लूंगा। किसने बोला? काजी अब्दुल रसूल ने, कि मैं हार मान लूंगा। तब जाके लालदास जी ने प्रश्न पूछा कि कितने प्रकार की पैदाइश है, तब काजी अब्दुल रसूल ने बोला कि 5 प्रकार की पैदाइश है। दुनिया तो बहुत बार कुरान को पढ़ लिया, कई काजी मौलवी लोगों ने पढ़ा दिया और कई लोगों ने पढ़ भी लिया, लेकिन उसके गोपनीय बातुनी संकेत को संसार के लोग नहीं जानते हैं। तब लालदास जी ने आगे कुरान रखकर क्या बोला कि ऐसे करो, इसमें से किस सिपारे में ये जो 5 जात की पैदाश आपने बोली, किस सिपारे में लिखा हुआ है। तब काजी क्या हुआ, काजी के अंदर से घबराहट सी हो गई और कोई जवाब नहीं दे पाया, और उसने थोड़ा कुछ बोला, ये भी कैसे बोला, अंदर डरते डरते बोला कि हाँ, 5 प्रकार की पैदाइश है, लेकिन किस सिपारे में ये नहीं पता है। तब जाके लालदास जी ने बोला कि हे काजी अब्दुल रसूल, ये 5 जात की जो पैदाइश है ने, मैं तुम्हारे आगे कुरान तो खोल दिया, लेकिन आप बता नहीं पाए
कि किस नंबर के सिपारे में है, लेकिन जो तीसरा सिपारा है, कितने नंबर का तीसरा सिपारा जो तिलकर रसूल नाम के सिपारे में ये पांच जात की पैदाइश लिखी है। चलो आपको ये तो नहीं पता चला, तो आप ऐसा करो ये कौन कौन सी पैदाइश है ये आप आगे बताइए। तब जाके उसने पांच जात की पैदाइश तो बताई, आगे ध्यान से सुनिए, पांच जात की पैदाइश तो बताई, लेकिन आगे पूछेंगे लालदास जी, ये जवाब उसके पास नहीं है, क्योंकि वो कुरान लाने वाले कौन थे सुंदर शाह जी, किसके हुक्म से संसार में कुरान आए थे। मैंने एक दिन चौपाई बोली थी कि हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, ये लिखने वाले कौन है। धामधनी का हुक्म इस संसार में राज्य की जोश की शक्ति आई, अक्षर ब्रह्म की जोश की शक्ति, अक्षर की आत्मा आई और जोश की शक्ति आई और मोहम्मद साहब के अंदर बैठ के ये कुरान के 30 सिपारा का जो अवतरण हुआ तो ये भी राज्य के हुक्म से हुआ है। और परमधाम से भी कौन आए हैं, उसके वारिस भी कौन है कुरान की, मैंने कल भी बताया था कुरान की वारिस अहल कौन है, हम तो है, उन लोगों ने तो जाहिरी मुसलमान का दावा लिया है, तो परमधाम में अरसे अजीम लाहूत का वो दावा तो लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी परमधाम से आए, परमधाम से कौन आए हैं, हम सब आए हैं, तो किसको पता रहेगा, ये हमको रहेगा ना कि हम किस प्रकार की पैदाइश में है। तो यहां वो बता तो देंगे, पहले उसने बताया कि एक कुन से, एक हो जा कुन से जो पैदाइश हुई है। तब लालदासी ने चलो ये बोले कि हाँ ये तो मैंने सुन लिया, फिर बोला कि दूसरी पैदाइश, तो बोले एक हाथ से एक, पहले बोला कुन से तो हो जा, फिर बोला दूसरी पैदाइश तो बोले एक हाथ से एक, फिर बोले तीसरी तो कि एक हाथ से दो, फिर बोले चौथी तो कि इब्तदाई से, फिर बोले पांचवी तो बोले खिलकत हमारी पड़ोसी। फिर लालदासी ने पूछा कि चलो आपने यह तो बता दिया, लालदासी को पता था कि उसका भाव क्या है, गोपनीय संकेत में क्या उसका भाव है, ये अब्दुल रसूल काजी को थोड़ी पता था। देखो ऐसे ऐसे इस संसार में बहुत से मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले काजी मुल्ला भी है, ऐसे ऐसे भी अब्दुल रसूल मोहब्बत का बड़ा काजी आए, लेकिन उसको पता नहीं है, क्योंकि कुरान श्री जी आए बाद में तो खुला, 1000 साल ध्यान से 1000 साल ये फुरकान रही कुआरी, वाणी में क्या बताया, कुआरी रही फुरकान, कुआरी मतलब इसने कुरान ने किसी को, मतलब कुरान ने किसने भी किसी ने भी नहीं सुना छुआ, कुरान को किसी ने भी नहीं छुआ। कैसे, फिर आपको विचार आएगा, वैसे तो बहुत काजी मुल्ला सैयद ये कई लोगों ने बहुत बार हजारों बार पढ़ ली होगी, और आज मेरे को पता है उसके छोटे छोटे बच्चे भी, उसके छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, 5-7 साल के, तब कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में भेजते हैं लोग, हमारे तो 25-30 साल के बच्चे को भी पता नहीं कि राज जी क्या है, उसको सुबह को उठकर मंदिर में प्रणाम करनी चाहिए, चरणामृत प्रसाद लेना चाहिए, या हमारे निजानंद संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, ये हमारे हिंदू संप्रदाय में या हिंदू संस्कृति में किसी को ये इतनी पहचान नहीं है जो मुस्लिम लोगों के अंदर, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, छोटे बच्चे के अंदर भी कुरान का ज्ञान रहता है। वो छोटे छोटे बच्चे जब उस बच्ची होती, जब उसको ससुराल भेजना होता, तो इससे पहले
वो पहले कुरान, जब लड़का देखने के लिए आता है इससे पहले उसको कुरान एक बार उसकी ट्रेनिंग दे ही देते, क्योंकि पहले लड़के देखने के लिए आते हैं ना। तो मैं एक बार एक मुस्लिम को पूछा था, बहन को, तो उसने बोला कि मेरे साथ गाड़ी में थी, मैं कोई चर्चा सत्संग में जा रही थी, तो वहाँ रास्ते में मेरे साथ गाड़ी में थी, तो मैंने पूछा, एक 8 साल की बच्ची थी, एक 9 साल की बच्ची थी, तो मैंने बोला कि दोनों बच्ची किस स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही है। तब उसने बोला कि अभी तो मैं कुरान पढ़ा रही हूँ। तो मैंने बोला इतनी छोटी उम्र में? तो बोले हाँ, बच्चे हमारे देखने के लिए जब आते तब पहले ये पूछते कि कुरान पढ़ लिया। देखो, वो नहीं पूछते कि कितना स्टडी किया, आपका एजुकेशन कितना, ये नहीं पूछेंगे। मतलब ये लोग इतने कट्टरवादी है और वैसे भी दृढ़ भी है कि कुरान एक अल्लाह ताला हा है, उसी के अंदर भी कई फिरके है। आज ये भी मजारों में, कई फिरकों में ये भी फंस चुके हैं। लेकिन यहां धामधनी ने क्या बताया कि कुरान के असल में वारिस तो हम थे, उसी के पास कहां जवाब थे। लालदासी को तो पता था कि भले मोहब्बे के काजी है लेकिन उसी के पास कोई जवाब नहीं है, तो उसने इतना बोला। फिर जाके लालदासी ने बताया कि हो जा कौन से पैदा होने वाली है ने, वो कौन है, जो नारायण के संकल्प से कि एको हम बहु श्याम कहते हुए जो पैदा हो गई वो हो जा कौन। कुरान में क्या बोला है, हो जा कुन, ये वेद संस्कृति, वैदिक संस्कृति में क्या बोला, एको हम बहुश्याम, और एक हाथ से एक, मतलब पहले कौन आए, मोहम्मद साहेब, तो एक हाथ से एक, फिर एक हाथ से दो, तो कौन, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी, और एक बोला इब्तदाई से, तो मूल इब्तदाई से कौन है, पहले से ही अनादि काल से ये हम सब ब्रह्मा तमाए। और एक खिलकत हमारी पड़ोसी अक्षरधाम से जो ईश्वरी सृष्टि आई, तो जीव सृष्टि जो मूल कुन से, ईश्वरी सृष्टि हमारी पड़ोसी अक्षरधाम से, और ब्रह्म सृष्टि हम सब जो इब्तदाई पहले थे, ये ब्रह्मांड नहीं था अनंत, तभी भी हम परम धाम में थे और आज भी है, और ये सृष्टि का लय हो जाएगा तभी भी हमारा मूल तो घर रहेगा ही। और एक हाथ से एक और एक हाथ से दो, तो 5 हो गई। लेकिन काजी अब्दुल रसूल को ये शुद्ध ये समझ नहीं है। और आगे जब लालदासी ने पूछा कि 5 जात की पैदाई से उसमें से तू किस प्रकार की पैदाइश, तुम किस प्रकार की पैदाइश के हो, आप मेरे को बताइए, उसमें से तू किस में से हो, ये 5 प्रकार की आपने पैदाइश बताई। तो वो सोचने लगा, अंदर घबराहट हो गई, डर भी बैठ गया कि चलो मैं इब्तदाई से बोलूंगा तो भी उसका पूरा मालूम तो मेरे को है ही नहीं, फिर मैं एक हाथ या दो हाथ वाला बोलूंगा तो भी मेरे को मालूम नहीं है, और जो मैं हो जा कुन वाले से बोलूंगा कौन बोले, काजी अब्दुल रसूल विचार कर रहे कि मैं ओजा कुन से बोलूंगा तो भी ये तो जुल्मत से पैदा, माया से पैदा हुई है, तो मैं वो भी नहीं हूं, तो अब करूं तो क्या करूं। अंदर डर बैठ गया, जवाब नहीं दे पाए। जब घबराने लगे, डर बैठ गया, तब बल दीवान चाचा ने क्या बोला, अरे काजी साहेब ऐसे क्यों घबरा रहे हो, जब इतना बोला ने तब तो काजी अब्दुल रसूल ने क्या कहा कि अरे बलदीवान जी, ये आखिर जमाने के, ये आखरुल साहिबुज्जमा इमाम मेहंदी है। तब फिर बलदीवान चाचा ने बोला कि मैं कैसे मानूं, आप सत्य की प्रमाणता देते हुए मेरे को बोलिए, आप कुरान ऊपर रखकर
सत्य का प्रमाण दे सकते हो? तब काजी अब्दुल रसूल ने बोला कि हाँ, मैं सौगंध खा के ऊपर सिर पर कुरान रख के मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये आखिर जमाने के खाविंद इमाम मेहंदी साहिबुद जमा है। इतना नहीं, उसी के अंदर ये खुदा ताला अल्लाह ताला की आवाज भी देखो निकल रही है। जैसे श्री जी ने बोला ने, तब उस आवाज को काजी अब्दुल रसूल ने सुना और क्या अंदर से पहचान कर ली कि उसी के अंदर खुदा ताला अल्लाह ताला की कैसी आवाज, जो 1100 साल पहले हमारे मोहम्मद साहब ने बोला था, हमारा अंतिम पैगंबर, कि मैं फरदा रोज क्यामत में, आखिर क्यामत के समय मैं आऊंगा, तो वही तो आवाज उसी के अंदर निकल रही है। तब काजी अब्दुल रसूल ने सिर पर कुरान रख के सौगंध खा के बोल दिया कि नहीं, आखिर जमाने के वो खाविंद है। तब जाके बल्दीवान चाचा को थोड़ा कुछ तो विश्वास आया, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास नहीं आया। उसने क्या सोचा कि चलो मैं अभी ऐसा करूं, एक शास्त्रार्थ तो हो गया कतेब की ओर का, अब मैं ऐसे करूं वेद की ओर का एक बार शास्त्रार्थ करूं, और चारों ओर से पंडित जो बड़े बड़े हैं, इस शास्त्रों को जानने वाले बड़े पंडित को बुलाऊं। तो सुंदर, वल्लभ और बद्री, इस पंडित को बुलाया। और बल्दीवान चाचा ने क्या पूछा इन पंडित को कि ये विज्ञा अभिनंद बुद्ध निष्कलंक, ये विज्ञा अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से जाना जाता है, ये कितनी बात सत्य है? क्योंकि छत्रसाल जी ने तो अपने गले में जो लॉकेट पहनते थे, वही स्वरूप वाला जो ये सिक्का जो था, वही छाप वाला सिक्का जब देखा श्री जी के एक जो आसन के नीचे, तो उसने तो मान लिया कि नहीं, वही निष्कलंक स्वरूप है। लेकिन मैं कैसे मानूं, हे पंडित लोग, तुम उसके सामने शास्त्रार्थ करो। तो सुंदर वल्लभ बद्री में से बद्री का चयन किया गया। किसका? बद्री का। और बद्री के सामने यहाँ श्री जी के प्रतिनिधि के रूप में किसको रखा? छत्रसाल जी को। छत्रसाल जी और बद्री, ये पंडित दोनों आमने सामने बैठकर कुछ प्रश्न कर सके, और इतना नहीं, एकाग्र चित्त से चर्चा हो, और चर्चा में कौन कितना ऊंचा ज्ञान की चर्चा करते हैं और प्रश्न का उत्तर आमने सामने होता है, ये बल्दीवान चाचा ये देखने के लिए बैठ गए। यहाँ बद्रीदास जी को बुलाकर छत्रसाल जी ने भागवत को लेकर प्रश्न पूछा। किसको लेकर? भागवत को। तो सुंदर साथ जी, इसी के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूँ कि भागवत के 10वें स्कंद में जो अखंड ब्रज और रास की चर्चा है, और आज संसार के जीव को पता ही नहीं कि नित्य वैकुंठ मिने अक्षर, एक नित्य भगवान जी आए इत जागवे के तत्पर, जहाँ भगवान जी अक्षर ब्रह्म को कहा गया है, और नित्य वैकुंठ मिने अक्षर, ये कौन सा है? ये अक्षर धाम वाला चार जो चतुष्पाद है, उसमें जो अखंड वैकुंठ है। लेकिन संसार के आज जो जितने मतपंथ चल रहे हैं, वो मतपंथ तो वैकुंठ, ये 14 लोक अंतर्गत वाला, नीचे 7 पाताल ये मृत्युलोक, 8वां ऊपर पितृलोक, भूर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। जो सत्यलोक है उस वैकुंठ को ही अखंड मान लिया, और वहां जो त्रिगुण है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उसको ही परमात्मा मान लिया, और
ये वैकुंठ के अंदर की चार प्रकार की मुक्ति सामीप्य सारूप्य शालोक्य और सायुज्य। लेकिन इन संसार के प्राणी जीवों को पता ही नहीं कि ये मुक्ति परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्पररी है। जब एक दिन प्राकृतिक प्रलय होगा तब 14 लोक अंतर्गत का सब लय हो जाएगा महाप्रलय में, अने महाप्रलय में और आगे ये 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण का लय हो जाएगा, उसको तो ये पता ही नहीं है। और वो लोग तो निराकार से आगे गए नहीं, तो बिचारे क्या करे, विवश होकर बस इतना ही जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दिया, आगे जब प्रश्न पूछे भागवत को लेकर कि भाई कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कहे लेकिन भेद न जाने, क्योंकि दसवा स्कंधे ने वो पूरा कृष्ण का जो स्पष्टीकरण है कि 11 साल उसमें वो नहीं बताया है, भेद तो प्राणनाथ जी की वाणी में बताया है। सुखदेव मुनि ने तो प्रतिबिंब लीला का रास का वर्णन किया है, भागवत के अंदर कोई भेद नहीं है, इसलिए तो संसार के जीव जान नहीं पा रहे है। तो उसने जो प्रतिबिंब लीला का वर्णन किया है, तो यहाँ जो श्री कृष्ण जी की 11 साल और 52 दिन की लीला हुई वो बिचारे बद्री कैसे जान पाते, और 11 दिन की जो यहाँ की गोकुल और मथुरा की लीला हुई और आगे बाके बिहारी की शक्ति भी चली गई गौलों की, उसके बाद 112 साल की मथुरा और द्वारिका की लीला हुई, ये विष्णु स्वरूप कृष्ण की हुई, तो उसको पता ही नहीं, तो बिचारे क्या बोले बद्री कि अरे ये तो जो श्री कृष्ण जी ने जिन लीलाओं में श्री कृष्ण जी ने जो लीलाओं की उस लीला के बारे में तो परमात्मा के अतिरिक्त, क्योंकि व्रज और रास के अंदर कौन से तन ने लीला की थी, उस तन का नाम क्या था, श्री कृष्ण जी, तो कृष्ण जी के तन में 11 साल और 52 दिन किसकी शक्ति थी, अक्षरातीत का आवेश और अक्षर की आत्मा। तो यहां क्या बताया कि भाई व्रज और रास में कृष्ण जी की जो लीला हुई है, तो बद्री ने तो वो कृष्ण को ही परमात्मा मान लिया, उसको पता नहीं कि परमात्मा कभी भी तन धारण नहीं करते, वो कभी भी गर्भ में नहीं जाते, वो कभी भी शादी विवाह के पुत्र प्राप्ति वो नहीं करते, उसने तो बस ये मान लिया कि वो कृष्ण परमात्मा के सिवाय किसी के पास ये उत्तर नहीं होते। जब ये उत्तर किसका, बद्री का ये उत्तर छत्रसाल जी ने सुनाने, प्रतिनिधि के रूप में छत्रसाल जी है ने, तब वो इतने खुश हुए प्रभावित हुए कि चलो बद्री ने अपनी भूल स्वीकार कर ली कि हाँ मेरे को नहीं पता, मैं निराकार से आगे जा ही नहीं पाया हूं, तो आगे नारायण भी स्वप्न में है और नारायण को नहीं पता तो नारायण से पैदा होने वाले जीव को कैसे पता कि नारायण के आगे क्या है। तो यहां बद्री ने जब स्वीकार कर लिया, और बद्री जब रात को अपने घर गए और वहां जाके जो अपने पंडित लोगों का ग्रुप था, तो वहां पंडितों ने पूछा कि बद्री शास्त्रार्थ कैसा रहा, क्या पूछा बद्री वहां का शास्त्रार्थ कैसा रहा, तो बद्रीदास जी ने तो पूरा ही एक अंतर की आवाज सत्य पुकार आई, और जैसी अंतर की आवाज आई वैसे ही जवाब दे दिया था। तो यहां पंडित लोगों को भी बोला कि अरे मैंने यथार्थ सत्य बता दिया, क्या बताया कि भाई उनका उत्तर तो परमात्मा के अतिरिक्त कोई दे ही नहीं सकता। जब इतना वो पंडित लोगों ने सुना ने अपने ग्रुप वाले, तो वो क्या बोले, अरे बद्री, क्या बोले, अरे बद्री तू वहां मर क्यों नहीं गया, हमारी रोजी रोटी, चल देखो पंडित हम कितने दिन से देखते आ रहे हैं,
राणा के पंडित लोगों का कहाँ का, औरंगाबाद में देखा, रामनगर में देखा, उदयपुर में देखा, ये पंडित लोगों को, और यहाँ भी देखो पंडित, अभी छत्रसाल जी आगे क्या कहेंगे, अरे तू एक ब्राह्मण उठकर क्षत्रिय सामने, क्षत्रिय के सामने अपनी हार मान ली, जाओ तुम फिर शास्त्रार्थ करने के लिए जाओ और उसको पूरा पूरी तरह पराजित करो, हार कर विजय प्राप्त करके आओ, जाओ हम प्रश्न बना देते आपको। किसने बोला? अपने पंडितों के ग्रुप वाले लोगों ने कि जाओ हम प्रश्न बना देते, हे बद्री तुम फिर दोबारा शास्त्रार्थ करो। तो इन पंडित लोगों ने मिलकर रात को कोई नहीं अध्याय का ठिकाना, कोई नहीं स्कंध का, नहीं कोई श्लोक का, ऐसे इधर उधर का प्रश्न जोड़कर कई उल्टे सीधे प्रश्न तैयार किए और बद्री को दिया। और बद्री कहाँ गए? छत्रसाल जी के पास। छत्रसाल जी के पास जब पहुंचे और उसी के हाथ में जब ये प्रश्न के बारे में दिखाया और बताया, तब छत्रसाल जी ने क्या बोला कि हे बद्री, क्या बोला? हे बद्री, इन सब प्रश्नों का उत्तर तो मैं जानता हूं, किंतु क्या कहूं, तुम पंडित होते हुए भी इन झूठी बातों को, इधर उधर की बातों को बनाकर प्रश्न तैयार कर फिर दोबारा शास्त्रार्थ करने के लिए मेरे सामने आया। क्या बोले? तुम दोबारा शास्त्रार्थ करने के लिए फिर मेरे पास आया। फिर आगे क्या बोला कि मैं तो इन सब प्रश्नों को बद्री जानता हूं, तेरे को ये शोभा नहीं देता। रात को तो तू क्या बोलता था कि नहीं मैं हार गया, ये जवाब तो परमात्मा सिवा कोई नहीं दे सकता, और फिर इधर उधर के प्रश्न बनाकर आए हैं। और एकदम छत्रसाल जी के अंदर क्रोध आ गया और क्या बोले, सारी सभा के बीच में पूरे दरबार में घोषणा कर दी कि हे बुंदेलो, हे राज दरबारियों, कोई व्यक्ति इन पंडितों को, कोई व्यक्ति इन पंडितों को गुरु ना बनाए, इतना नहीं उसके सामने सिर भी ना झुकाए। और भी आगे क्या बोला कि हम विवाह आदि और भी कोई मांगलिक कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम में हम जब पंडित लोगों को बुलाते थे और वहाँ जब उसके चरणों में हम सिर झुकाते थे, सिर पर पाग भी पहनाते थे, उसका सम्मान भी करते थे, तो ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आज पूरी सभा में घोषणा करता हूँ, इन पंडित लोग कोई काम के हैं नहीं। तो सुंदर साहब जी वहाँ जब छत्रसाल जी ने अपने राज दरबार में समस्त परिवार के बीच बुलंद आवाज में पूरी घोषणा कर दी, ये सुनकर बद्री क्या कहने लगे छत्रसाल जी को कि हे छत्रसाल जी, मैं तो रात को ही जान गया था मैं हार गया तभी, लेकिन क्या करूं, इन पंडितों ने मेरे को भेजा, मैं तो आना ही नहीं चाहता था। ये बात जब बलदीवान चाचा ने देखी और सुनी, तब तो फिर उसके पास कोई बोलने का अवसर ही नहीं रह गया, और पंडित लोग भी शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारी खानी पड़ी, हार गए, पराजित हुए और लज्जित होकर अपना सिर नीचा मुंह करके वो बैठ गए। और बलदीवान चाचा को भी पता चल गया कि संसार के अंदर चाहे वेद लो या कतेब लो, क्या पता चला, चाहे वेद लो या कतेब लो, किसी के पास भले अभी थोड़ी कुछ पहचान हुई है, मैं नहीं कह रहा पूर्ण पहचान के, और राज दरबारी भी सुन रहे थे ना इस बात को कि किसी के पास निराकार से आगे का ज्ञान नहीं है। जो भी धर्म शास्त्र आए हैं उसको खोलने की चाबी किसके पास है, ये तारतम ज्ञान रूपी चाबी किसके पास है,
हमारे पास, बोलो श्री प्राणनाथ। जब राज जी ने श्यामा जी को दर्शन दिया तब बोले कि मैं तारतम ज्ञान रूपी चावी, तारतम ज्ञान तेरे को देता हूं। फिर जब ये ताला खोलने की चाबी तो दी, लेकिन पहले जामे में बताया ने कि एक महीने तारतम, दूजे महीने उजास। एक महीने तारतम आया, दूजे महीने उजास। तो सदगुरु रणी देवचंद्र जी के जामे में सिर्फ तारतम का एक चौपाई का अवतरण हुआ और दूसरे महीने उजास, दूसरे जामे जब नया तन धारण किया तो उसी महीने पूरी वाणी उतरी और तारतम का भी, तारतम इंद्रावती अंग विस्तार। तो पूरे धर्म शास्त्र का जो भी गोपनीय रहस्य गुज मायना है, उस खोलने की चाबी किसी के पास थी? श्री प्राणनाथ जी के पास। वही तो सामने बैठे हैं वहां जहां शास्त्र चल रहा है। तो वो बिचारे काजी, मुल्ला, बद्री, ये क्या जवाब देते हैं? तो सब लज्जित होकर नीचे मुंह कर बैठ गए और अपने फिर अपनी यात्रा की ओर चल पड़े, अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। और आगे सुंदरसा जी और एक नया घटनाक्रम घटित होता है। क्या? कि एक बात इताई और भई, सब कुंवर ठाकुरों में खरच राज की बख्शिश देख के धोखा भया मन में। इस घटनाक्रम में आगे और एक बात किसके अंदर? जो छत्रसाल जी के राज दरबारी लोगे के अंदर एक बात उठी। क्या बात उठी? कि अरे ये श्री जी 5000 की जमात लेकर आज 3 साल से क्या समय आ गया? विक्रम सन 1740 में पन्ना जी पहुंचे थे और 1743 का समय आ गया। तो यहां क्या बता रहे हैं कि अरे ये 5000 की जमात का आज इतने समय से, 3 साल से ये खाने पीने कपड़े का ये खर्च कहां से आ रहे हैं? ये आपस में बात होने लगी और क्या ये लोग सोचने लगे, दरबारी लोग, कि अरे वो जो आए ने श्री जी, उसी के पास कोई रसायन है, कोई पारस मणि है लोहे से सोना बनाने की, और इसी से वो पूरे सुंदर सात की जमात का खर्च और व्यवस्था चल रही है। राज दरबारी सबके मन में ये संशय बैठ गया। एक अतिरिक्त छत्रसाल, छत्रसाल को इस बात का पता ही नहीं कि 3 साल से ये 5000 की जमात का खर्च कहां से आ रहा है। तब एक दिन महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी को पूछा, जब पता चला ने कि इन लोगों के अंदर एक वहम है, एक रोग बन चुका है कि नहीं श्री जी कोई रसायन से इन सब सुंदर साथ के खर्च का वहन करते हैं। तब एक दिन छत्रसाल श्री जी के पास जाकर पूछे, देखो ब्रह्म सृष्टि की क्या रहनी होती है। मैं एक दिन गाया था ने, पार्वतन जो सोहागनी ताकी नेक कहो पेचान, ताकी नेक कहो पेचान, जो कदी भूली वतन, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान, पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहो पहचान। धामधनी क्या बताया? जो कोई भी परम धाम की आत्मा होगी
जिसके अंदर भी परम धाम का अंकुर होगा उसकी पहचान बता रहे क्या, जो कभी भूली वतन वो अपनी वतन की सुधि शायद अमुक समय तक विस्मृति कर दी है, भूल गए हैं, पूरी नींद में है, लेकिन जब उसको तारतम वाणी की शुद्धि मिलेगी, पहचान बनेगी, तो उसको फिर याद आएगी। जाति सुमिरन, जाति सुमिरन कैसे कि याद बन जाए कि अरे मेरे को श्री जी ने छत्रसाल जी को क्या याद आया शाकुंडल को, अरे 3 साल पहले मैं श्री जी को अक्षरा अतीत के स्वरूप में पहचान कर ली थी और आज ये पहचान की पहचान मैंने क्या दी, 3 साल हो गए मेरे को इतना शुद्धि शुद्धि भी विचार नहीं आया, मतलब मेरे को इतना शुद्धा भी विचार नहीं आया क्या कि 3 साल से ये खर्च कहां से आ रहे हैं। जब श्री जी को पूछा कि श्री जी ये सभी सुंदर साथ का जो खर्च है वो कहां से आ रहा है, खाने पीने कपड़े का, तब श्री जी ने बताया कि हे छत्रसाल ये खर्च तो मेरते के सुंदर साथ राजा राम भाई और जांजन भाई से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, मेरते के सुंदर साथ राजा राम भाई और जांजन, क्योंकि हम जब मेरता में पहुंचे थे तब मैंने विस्तार से चर्चा सुनाई थी आपको, और राजा राम भाई तो वाणी में भी डूबे हुए थे, इतना नहीं कि सिर्फ धन की सेवा की है, देखो वो तन और मन से भी लगे थे। यहां जब श्री जी ने ये बताया ने तब छत्रसाल जी अपने मन में बहुत दुखी हुए, वो सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि अरे मैं तो ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक ही नहीं हूं। सुंदरसा जी किसकी बात है, किसकी है, छत्रसाल जी की है क्या, शाकुंडल ने तो समर्पण कर दिया, ये तो एक एक प्रसंग से धाम धनी शाकुंडल के अंदर बैठे हुए जीव की परीक्षा ले रहे, उस जीव की यात्रा को आका आगे बढ़ा रहे और जीव को आकार दे रहे और परिपक्व बना रहे कि आगे जाने से तेरे को कितनी और कुर्बानी करनी है। और धनी इस प्रसंग के माध्यम से हमको भी क्या समझा रहे कि सुंदर साथ जी आज तुम्हारी इतनी कुर्बानी बनी, कल आगे जाके और कुर्बानी करनी है, कल आगे जाके और कुर्बानी करनी है। ये तो दामदनी छत्रसाल जी के प्रसंग से बता रहे हैं। इतना नहीं और भी व्यथा अंदर व्यक्त करते, अंदर दुखी होते हैं कि अरे कैसे दुखी होते हैं कि मेरा मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कैसे कि मैं ब्रह्म सृष्टि की जमात में हूं ही नहीं, मेरा मन क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है कि अंदर से आवाज आ रही है, हे धनी मैंने तो अभी तक कोई धर्म का काम सिर पर लिया ही नहीं, बस सिर्फ बोल दिया कि तन मन धन नियोछावर किन हो, तो वही तो हालत हमारी है, हम रोज बोलते भोग में तन मन धन ले न्यो छावर किनो लौकिक लो पानो लाज महाराज भवन में, तो हम भी बोलते हैं वही पश्चाताप किसने किया, छत्रसाल जी ने, कि मेरा मन में अंदर आवाज उठ रही है, दिल से पुकार निकले क्या। देखो आगे और बताओ, इंद्रावती जी ने कितना समर्पण किया, कितना धनी के साथ प्रेम किया, कैसे राज्य को रिझाया, और इतना नहीं अक्षरातीत प्राणनाथ श्री जी की शोभा भी इंद्रावती की आत्मा को मिली।
तो भी वो उसने वाणी में क्या लिखा पता है? रोम रोम कई कोट अवगुण, ध्यान से, रोम रोम कई कोट अवगुण, तनी में ऐसी तुम्हारी गुनेगार। ये तो कही में गिनती लेकिन गुने को नहीं सुमार। धनी मैंने रोम रोम अवगुण किए और तुम अवगुण पर गुण ही करते रहे, मेरे पर कृपा ही बरसाते रहे, मेहर ही बरसाते रहे। हम एक चौपाई बोलते हैं ना कि धनी तुमने राखी मूल सगाई, मैं तो कई अवगुण किए तो भी तुमने हमारे साथ की मूल निस्बत को आपने नहीं छोड़ा। हमने तो तोड़ दिया, तुमने छोड़ा नहीं, हमने तो तोड़ दिया। इस झूठे संसार में थोड़े कुछ धन संपत्ति को देखकर, ये परिवार को देखकर हमने तो ये पकड़ लिया, तेरे को छोड़ दिया, लेकिन तूने अंतिम तक हमारा हाथ पकड़ के रखा, इस मोह सागर से बाहर निकाला। इतना नहीं, ये तारतम ज्ञान से हर क्षण धामधनी तू हमारे दिल में बैठकर कैसे असराफिल और जबराइल दोनों शक्तियों को बैठाकर कैसे वकीलात और विकारों को अंदर से मुक्त करवा रहे। हे धामधनी, तुम्हारी हमारे पर कितनी मेहर है। और यहाँ इंद्रावती इतना समर्पण करने के बाद भी बोलती है कि धनी रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं तुम्हारी गुनेगार। तो भी पीछे क्या बोला कि ये तो मैं गिनती के कहे अभी अवगुण नहीं, गुने का तो कोई हिसाब ही नहीं है, बेसुमार मैंने गुना किया है, उसकी कोई गिनती नहीं होती, उसका कोई सुमार नहीं होता। सुंदरसा जी, इंद्रावती की महानता देखो। मैंने एक दिन बोला था ने कि विनम्र महानता ही विनम्रता की, विनम्रता ही महानता की चाबी है। यहां इंद्रावती के प्रसंग से हमको क्या सीख मिली, क्या बोध मिला। इतना करने के बाद भी अपने को क्या मान रही है कि मेरे अंदर कोट अवगुण है। और हम क्या करते, हम तो दूसरे के अवगुण ढूंढते रहते ने, और पूरी लाइफ पूरा जीवन बस हमारा दूसरे के अवगुण ढूंढने में। हम इससे अच्छा यही है कि हम दूसरे के अवगुण ढूंढे, इससे उसमें भले करोड़ों अवगुण हो लेकिन उसके अंदर एक गुण भी है तो उस गुण को ले ले, तो हमारा जीवन बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा ना सुंदर साची। और हम क्या करते रहते हैं कि दूसरे के अंदर अवगुण खोजते रहते हैं और हमारी झूठी प्रशंसा हो ये हम, और दूसरे की सच्ची प्रशंसा भी हम सुनना नहीं चाहते। तो यहां धामधनी ने क्या बताया कि हे सुंदरसाज जी, छत्रसाल जी के इस प्रसंग से आगे क्या सीख लेनी है कि छत्रसाल जी अंदर व्यथित है, दुखी है कि मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हूं। 3 साल से मेरे धनी मेरे दरबार में आए, मैंने पहचान ही नहीं की। फिर छत्रसाल जी अपने घर में ही एक एकांत कक्ष में जाके सुबह ही जल्द जल्द अपने एकांत कक्ष में जाके वो लेट गए। दोपहर हुआ, खाने का समय हो गया लेकिन रानी लोग उठाई नहीं पा रहे हैं कि कैसे उठाए, पता नहीं। आज सुबह से हमारे स्वामी छत्रसाल कक्ष में एकांत में चले गए हैं, करे तो क्या करे। इतने में बलदीवान चाचा को बुलाया और वो आए, उसके सामने ये बात रखी कि चाचा आज सुबह से छत्रसाल जी एक कमरे में एकांत में बैठ गए हैं। छत्रसाल जी ने दरवाजा खटखटाया, खोला,
और छत्रसाल जी को पूछा कि अरे हे छत्रसाल, तू क्यों आज इतना व्यथित है, दुखी है? तब छत्रसाल जी ने बताया कि हे चाचा, मैं कहूँ तो ये बात कैसे कहूँ, ये कोई बात नहीं है कहने की, क्योंकि हम सब दरबारियों के अंदर एक वहम था, एक संशय था कि इन लोगों के पास रसायन है। अरे हमने तो बहुत बड़े अपराध कर दिए, हम बहुत बड़े गुनहगार बन गए, और 3 साल से ये श्री जी और सुंदर साथ आज हमारे दरबार में आए हैं, और हमने क्या पहचान की, देखो खाने पीने कपड़े की सब व्यवस्था, सब सुविधा, सब खर्च मेरता के सुंदर साथ राजा राम भाई और जांजन भाई से आ रहा है। तब छत्रसाल जी को बल दीवान चाचा ने बताया कि अरे छत्ता, इसमें इतना दुखी होने का, इसमें इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं एक रास्ता निकालता हूं। क्या? कि हम ऐसा करें कि औरंगजेब के अधीनस्थ कई राज्य है, उसी पर हम आक्रमण करें। आक्रमण करने के बाद जब हम जीत जाएंगे अमुक प्रदेशों को, तो जो कर औरंगजेब बादशाह को मिलता था वो टैक्स कर के रूप में हमको मिलेंगे, और उसमें से श्री जी और सुंदर साथ की सेवा होती रहेगी। इसमें कोई टेंशन या चिंता की बात ही नहीं है। तुम दृढ़ निश्चय कर लो कि हे छत्रसाल, हम ऐसा ही करें। तब छत्रसाल जी ने बलदीवान चाचा को क्या बोला कि भाई मैं ऐसे बात नहीं मानूंगा। प्रार्थना करके बोले कि नहीं, आप पूर्ण रूप से सहमति से आप लिख दीजिए कि जो प्रदेशों का कर टैक्स के रूप में जो भी आए वो सेवा हम श्री जी के और सुंदर साथ के लिए हम खर्च करेंगे। तब बलदीवान चाचा ने बोला कि हाँ, जब ये बात श्री जी ने सुनी, किसने सुनी? श्री जी ने कि अरे या छत्रसाल जी तैयार हो गए सेवा के लिए, और छत्रसाल जी ने जाके श्री जी को भी बोल दिया कि हे श्री जी, ये 5,000 की जमात जो आई है, आपकी सबकी सेवा मेरे सिर पर दे दो। इतना नहीं, आज आसपास में जो धामी मोहल्लों में जो सुंदर साथ और रह रहे, और जो प्रदेश से भी जो सुंदर साथ आएंगे, ये सबकी सेवा मैं करूँगा। तब श्री जी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम करो। लेकिन श्री जी को पता चला कि छत्रसाल जी के पास इतना धन नहीं है कि सब सुंदर साथ की वो सेवा कर पाए। तो एक दिन छत्रसाल जी को श्री जी ने बुलाया, और बुला के क्या बोला कि छत्रसाल जी, तुम ऐसा करो, तुम्हारे घोड़े को लेकर आओ, और मैं आज आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस घोड़े को लेकर सुबह से निकलो, और सूर्यास्त तक, शाम तक ये घोड़े को आसपास में बुंदेलखंड में घुमाओ, जहां सूर्यास्त तक, जहां तक जितने सीमा तक, जितनी सीमा एरिया तक ये घोड़ा घूमता रहेगा, तो एक एक कदम पर मतलब वहां हीरा उगलेंगे, हीरा निकलेंगे। जाओ छत्रसाल, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। हम बोलते हैं ना, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित फत्ते होए, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होई, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित फत्ते होई। और आगे ये भी श्री जी ने बोला कि ये हीरा तब तक उगलता रहेगा, निकलता रहेगा कि तुम्हारे बाद तुम्हारा वंशज, वंशज के बाद जब तक और वंशज आएंगे, मेरे पर मतलब एक अक्षरातीत पर पूरी श्रद्धा या निष्ठा रखेंगे, तब तक ये हीरा निकलता रहेगा, बाद में शोभा बनी नहीं रहेगी। ये जब आशीर्वाद किसको दे दिया,
छत्र साल जी को किसने दिया? श्री जी ने। फिर यहां से छत्र साल जी और राजा राम भाई और जानजन भाई दोनों के बीच की क्या लीला होती है? वहां से राजा राम भाई कहां से? मेरते से पत्र लिखते किस पर? छत्रसाल जी पर, कि छत्रसाल जी मैं आपको पत्र भेज रहा हूं और पत्र के माध्यम से आप पढ़ के बस मैं यही इतनी अर्जी प्रार्थना करूं आपके सामने, क्या करूं कि हम भी पन्ना जी में आके श्री जी और सुंदर साथ की सेवा संभाले क्या, ये स्वीकृति हमको भी दे दो। तो ये वाणी में प्राणनाथ जी की वाणी में कीर्तन ग्रंथ में 118 नंबर के प्रकरण में लिखा, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, देखो ये अचरज कैसा ऐसा समया हुआ सखत, और मोमिन रखे मोमिन को तन मन अपना माल, मोमिन रखे मोमिन को तन मन अपना माल, और आगे चरण में बताया तीन सिर न नूर जमाल, तो दोनों का भाव धामधनी क्या बता रहे कि मोमिन लिखे मोमिन को राजा राम भाई छत्रसाल जी को पत्र लिखते हुए बता रहे कि देखो या बता रहे महामती जी कि कैसा कैसी आश्चर्य की बात है, ये कैसी आश्चर्य की बात है कि एक मोमिन सेवा के लिए दूसरे मोमिन को पत्र लिख रहे हैं, इतना कठिन समय आ गया है। और दूसरी चौपाई में क्या बताया, मोमिन रखे मोमिन को तन मन अपना माल, एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के प्रति अपना तन मन या धन के बल पर जो भेदभाव रखेंगे दूसरे सुंदर साथ के प्रति, तो सच में वो नेहचे नहीं मोमिन तीन सिर न नूर जमाल। राजी ने बताया कि अवश्य वो परम धाम की आत्मा नहीं है और उस पर धाम धनी की कृपा नहीं बरसेगी, क्योंकि उसने अपने एक सुंदर साथ ने दूसरे सुंदर साथ के प्रति तन मन और धन का भेदभाव रखा, तो आपस में सुंदर साथ का तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक दिली का कैसा, एक दिली का व्यवहार होना चाहिए, आपस में प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, और एक एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के प्रति ऐसे प्रेम भरा व्यवहार रखे तो अच्छी बात है। इतना निराज जी ने बताया कि एक सुंदर साथ दुखी है तो दूसरे सुंदर साथ दुखी हो उसका दुख देखकर तो भी ठीक है, और तीसरा बताया कि कोई सुंदर साथ को थोड़ा कष्ट हुआ, घर में थोड़ी क्षति पहुंची, तो उस क्षति में कष्ट में दूसरा सुंदर साथ भाग ले, उसको थोड़ा सांत्वना दे, प्रोत्साहन दे, क्या कि अरे तुम दुखी ना हो, हम बैठे हैं ना आपको मदद करेंगे। तो सुंदर साथ जी ऐसा हमारा एक मोमिन का एक सुंदर साथ के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ये धाम धनी ने कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से ये हमको समझाया। क्या हम अपने को अंदर जाके पूछे, भीतर जाके, कि हम सुंदर साथ के प्रति क्या ऐसा व्यवहार करते हैं, और हमारे भारतीय संस्कृति का क्या उद्घोष है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरी महिला को दूसरी स्त्री को हम माता या बहन समान माने और दूसरे के धन को हम मिट्टी के समान माने, उसी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये धाम धनी ने इस प्रसंग के माध्यम से बताया सुंदर साथ जी।
और आगे हम बढ़े। यहाँ छत्रसाल जी का प्रसंग हमने देखा कि जब श्री जी ने ये आशीर्वाद दे दिया, हीरा निकलने लगा, उगलने लगा, लेकिन छत्रसाल जी के अंदर क्या विचार आया कि धनी ये तो आपके आशीर्वाद दिए हुए ये हीरे उगलने लगे, लेकिन मेरी ओर से मेरी सेवा क्या रहेगी धनी, आपको रिझाने में, वो तो आपका दिया हुआ मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मेरी क्या सेवा रहेगी, तो मैं ऐसे करूं धनी आपको ये प्रार्थना है क्या कि मैं दूसरे राज्यों पर आक्रमण करूं, और मैंने वैसे कई सहयोगी राजपूतों से आक्रमण के संबंध में मेरी बात भी हो चुकी है और उसने सहमति भी दे दी है, तो चलो मैं ऐसा करूं और आप मेरे साथ चलिए श्री जी। कैसे? तुम ऐसा करो, हाथी पर सवार होके तुम आगे चलो, मैं पीछे घोड़े सवार होके, हमारी सेना पूरी पीछे चलेगी और आगे कहाँ जाए लड़ने के लिए, आप आगे चलो धनी। तब वहां सुंदरसा जी, जब श्री जी ने स्वीकृति दे दी और महाराजा छत्रसाल जी विक्रम सन 1743 में श्री जी को हाथी पर विराजमान किया और अपने घुड़ेश्वारों के साथ सेना को लेकर राठ, जलालपुर, खड़ोत और कालपी तक पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो कालपी के आसपास के क्षेत्र में काजी सैयदों मुल्लाओं के साथ क्या हुआ, कुरान संबंधी कई चर्चा हुई, वो श्री जी ने कते परंपरा को कुरान हदीसा को लेकर चर्चा की, तो वहां काजी मुल्ला ने स्वीकार कर लिया कि अरे ये आखर जमाने के खाविंदे, क्योंकि क्यों स्वीकार कर लिया, उसने जब कुरान के गुज मायने जो अब तक नहीं खुले थे, 1100 साल से ये नहीं खुले थे, उसका जब प्रकाश होने लगा, खुलासा स्पष्टीकरण होने लगा श्री जी के तन से, क्योंकि लिखने वाले भी कौन थे, श्री जी तो थे स्वयं, उसकी शक्ति तो थी। मैं एक दिन चौपाई बोली थी ना कि पढ़िया नहीं फारसी, नहीं अरब, और सुनिया नहीं कान कुरान को, तो खोलत मायने सब, पढ़िया नहीं फारसी ना अरब अरब, और सुनिया नहीं कान कुरान को, तो भी खोलत मायने सब। तो यहां श्री जी को थोड़ी पढ़ने की जरूर पड़ती कि चलो मैं उर्दू पढ़ लू, फारसी पढ़ लू, तो यहां श्री जी जब ये मायने खोलने लगे, तब वहां काजी मुल्ला सैयदों ने ये निर्णय के लिए कर लिया आपस में कि नहीं, ये आखर जमाने के खाविंद इमाम मेहंदी है, और मेहजर नामे पर एक लिखित रूप में भी दे दिया, और ये मेहजर नामा औरंगजेब बादशाह के पास भी पहुंचा, कहां, दिल्ली के अंदर ये पहुंचा, उसने भी पढ़ा, लेकिन अपने भय और डर और लोभ और मद पद प्रतिष्ठा के कारण उसने स्वीकार नहीं किया। उस दिल में एक डर भी था औरंगजेब बादशाह के दिल में कि कदाच मैं अभी सरा तोरा का शासन चल रहा है, मैं स्वीकार कर लूंगा तो ये मुसलमान लोग भी शायद मेरे को मार ना डाले, तो ये भी उसके दिल में डर था। और श्री जी ने वहां क्या क्या खोला, उनके सामने क्या क्या खोला, कुरान के साथ निशान, आजुज माजुज, दाभातुल अर्ज, दज्जाल, मगरब में सूर्य, रूहल्ला, इमाम मेहंदी और अश्राफिल। अश्राफिल फरिश्ता जब आएगा तो कुरान के जो गुज मायने नहीं खुले थे वो तो खुल जाएगी, जो 30,000 के अंदर थे वो, लेकिन
बताया कि जाहिर कैया रसूले में अरब सुने हैं कान, आये इमाम कैसी पर चढ़िया नहीं फुरमान। जो 30,000 मार्फत के थे वो 30,000 जो पात्र थे उसको दिया अरफे मुक्तियात के रूप में। वो 30,000 ऐसे थे कि स्वयं पांचवें दिन में इमाम मेहंदी आके खोलने वाले थे। तो ये क्या बताया कि असराफिल महामती के दाम दिल में बैठकर ये खुलासा, ये मार्फत सागर, ये सनंद, ये क्यामत की वाणी का गुज माइना जो 30,000 मार्फती वचन थे ये भी खोलने लगे। तो यहां धामधनी ने क्या बताया आगे कि ये असराफिल ये आ गया है, इसलिए तो यहां हे काजी मुल्ला, हे सैयद लोग, ये भेद खुल रहे हैं। तुम किसकी राह दिख रहे हो कि क्यामत के समय आएगा, अभी क्यामत बहुत दूर है, तभी सात निशान जाहिर हो गए, आप नहीं मान रहे हो ने? ये क्यामत जाहिर हो चुकी है, आप स्वीकार कर लो। और आगे हकीकत मार्फत के ज्ञान जो तारतम ज्ञान के अंदर ये दरवाजा जो खोलना था ने मार्फत के, ये भी सुंदर साथ जी खोल दिया। और सुंदर साथ और पूरे संसार पर जो कृपा हुई, धामधनी ने क्या बताया, एक अपरंपार कृपा हुई। और वहां से श्री जी को जब छत्रसाल जी आगे सिंहुड़े की ओर सवारी करके जब चित्रकूट में पहुंचते, कहां पहुंचते, चित्रकूट में, जब चित्रकूट में पहुंचते हैं तब वहां के राजा कौन है, वसंत सुर्खी। तो वसंत सुर्खी को पता चला कि छत्रसाल का राज्य एकदम गरीब था, इतना समृद्ध नहीं था, इतना धन संपत्ति उसके पास नहीं था। तो देखो ये कोई महात्मा हिंदू विरागी और अपने को निष्कलंक बुद्ध स्वरूप में मानते हुए आए हैं, तो चलो मैं भी शेहुड़े जाऊ उधर की ओर और चित्रकूट में इस श्री जी को लेके आऊ। तो वो भी अपनी चतुराई से वहां आए और श्री जी को ले जाने के लिए छत्रसाल जी को बोले और श्री जी ने भी स्वीकार कर लिया कि चलो हम चित्रकूट चलते। तो वसंत सुर्खी श्री जी और सुंदर सात को लेकर चित्रकूट गए। पन्ना से आगे पड़ता चित्रकूट, हम जब जाते ना तब जा सकते वहां। तो वहां जब लेके गए तब पीछे से छत्रसाल जी को विचार आया। क्या विचार आया कि ले तो गए लेकिन मेरी सेवा जो अखंड है श्री जी की वो तो कलंकित हो जाएगी, वो गरिमा तो कलंकित हो जाएगी। मैंने उसी के साथ सेवा के लिए मेरी रानियां, राजकुंवर और सुंदर सात को तो भेजा ही नहीं, चलो फिर पीछे से भेजते हैं। किसको, रानी को, राजकुंवरों को, छत्रसाल की, कि अपनी सेवा कलंकित ना हो, जो मेरी अखंड सेवा चल रही है। तो वहां श्री जी एक साल तक चित्रकूट में रहते हैं और चित्रकूट में बड़ा क्यामत नामा ग्रंथ, क्या बड़ा क्यामत नामा ग्रंथ चित्रकूट में अंतिम, छोटा क्यामत नामा तो पन्ना जी में उतर चुका और एक तीसरा क्यामत नामा ग्रंथ भी उतरा है वो भी पन्ना में, लेकिन अभी उसकी मूल प्रति हमारे समाज में मतलब जाहिर नहीं है। लेकिन छोटा क्यामत नामा ये पन्ना में उतरा और बड़ा क्यामत नामा चित्रकूट में उतरा। और श्री जी के अंदर विचार आया कि चलो ये संदेश मैं महाराजा छत्रसाल जी को पन्ना में दे दूं और ये संदेश क्यामत नामा के बारे का संदेश महाराजा छत्रसाल जी को पन्ना में दे दिया और छत्रसाल जी के नाम पर भी ये ग्रंथ कर दिया। और जो बड़ा क्यामत नामा ग्रंथ है ने उसी के अंदर नीचे छाप किसकी है, महाराजा छत्रसाल की छाप है, छत्ता छत्ता छत्ता। तो यहां और उसी के बाद जब अंतिम बताया कि जब श्री जी चित्रकूट में थे तब ओरछे के राजा ने छत्रसाल जी के खटोले पर, छत्रसाल जी के खटोले नगर को जीतने का
अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन छत्रसाल जी पर श्री जी की मेहर पल पल बरस रही है, तो कोई हरा ही नहीं सकता, उसी के खटोलों को कोई जीत ही नहीं सकता। तो वहां उसका विनाश हो गया और ओरछे के राजे की मृत्यु भी हो गई। आगे मिठू पीर ज्यादा भी आते हैं, श्री जी पर बुरी नजर करते हैं, लेकिन उसी का हाल भी बुरा हो जाता है। और अंतिम बताया कि और पुन पुन जिन करी तिन तित तित पाई सज्जा, ये काफर लिखे कुरान में यही लिखी ताजे कजा। या धामधनी ने क्या बताया कि जिस जिसने श्री जी और छत्रसाल जी पर बुरी नजर की, सुंदर सात पर बुरी नजर की, अपने मन में पाप लेकर आए, उसका क्या हाल हुआ, उसको ऐसी सजा भुगतनी पड़ी, उसको ऐसी सजा भुगतनी पड़ी। और ऐसे लोगों को कुरान में काफिर कहा गया है। और अंतिम महामति कहे सुनो साथ जी, ये कीमत की बात, जब आए तुम परनामी ने तब की ये विख्यात। यहाँ महामति जी अपने स्वर में कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, जब तुम पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचे उस समय ये लीला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटे ये मैंने तुमको आपको बताया अभी, और अब आप पन्ना जी में आ गए हैं। और पन्ना जी के अंदर जो धाम धनी तुम्हारे पर क्या क्या मेहर बरस, मतलब कितनी मेहर बरसाई पल पल, तो तुम उसी के बदले उसको धन्यवाद दो, शुक्राना अदा करो। क्योंकि महामति कहे मोमिनो, ये जो दम दम बरतत ये सब इसका हक का पल पल मेहर करत। तो यहां पहले राज जी ने क्या बताया, पहली चौपाई में कि जब हम पन्ना में पहुंचे तब बहुत विरोधी लोगों ने हमारे सामने जब ऐसी विरोधी प्रवृत्ति अपनाई, तब जाके श्री जी ने क्या लीला की, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों ने हमारे पर तरह तरह की बाधाएं खड़ी की। उसी समय धाम धनी ने हमको उसकी नजरों की तले छत्र छाया में रखा, तो हम क्या शुक्रिया मनाएंगे। तो पहले ही जब पुर्दल खान ने रामनगर के राजा को एक संदेश भेजा और उसने शेख खिज्र के मार्फत से संदेश भेजा, तो ये पत्र कहाँ से भेजा था, तो यहाँ बताया कि एक बार तो रामनगर में पुर्दल खान ने शेख खिज्र को भेजा, वहाँ शेख खिज्र ने पहचान भी श्री जी कर ली, लेकिन श्री जी जब पन्ना जी आए, ध्यान से, श्री जी जब पन्ना जी आए तो वहाँ से पुर्दल खान को एक पत्र भेजते हैं कि हे पुर्दल खान, क्यामत आ गई है। तब पुर्दल खान क्या कहते हैं कि अरे अभी क्यामत तो हजू बहुत दूर है। तब श्री जी ने बताया कि किस आधार पर तुम क्यामत दूर बता रहे हो। फिर श्री जी ने बताया कि अरे भाई क्यामत के सात निशान, देखो बार बार आ रहा है, सात निशान जाहिर हो चुके हैं, इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, अब तो तुम नींद में हो, अब तो तुम नींद में हो। इतना नहीं, आज अभी बताया कि अब तो नहीं, अभी तक तुम नींद में हो। देखो मैंने तुमको ये बात इसलिए लिख कर भेजी कि क्यामत और इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, लेकिन ये सुख तो परम धाम की जो असल वारिस मोमी ने अरसे अजीम से आई है उसके सौभाग्य में सुख लिखा हुआ है, तुमने तो जाहिरी दावा लिया है। और वैसे वैसे कई औरंगजेब बादशाह अपने सेनापति और लोगों को भेजते रहते हैं, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि जहां श्री जी की नजर, नूरी नजर
छत्रसाल जी पर पड़ी और धनी की पल पल मेहर बरस रही है। और ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सकल गुण निधान और सदा सत सुख के दातार हमारे धाम के धनी पल पल अंग संग छत्रसाल के पास ही है, तो उसका भला कौन बाल बांका कर सकते, कौन उसका बिगाड़ सकते। तो फिर कई कई राजाओं को भेजते लेकिन किसी का बस नहीं चलता। अंतिम मिठू पीर जादे को भी भेजते हैं लेकिन वो सात कोस तक चला जाता, सात पड़ाव भी डालते हैं, वहां से फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि एक बार औरंगजेब बादशाह ने सपने के अंदर देखा था कि खुदा के दरबार में सब खड़े हैं और आगे छत्रसाल जी खड़े हैं। सपना टूटने के बाद क्या देखा, बादशाह समझ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे को प्रेरणा दी। क्या दी कि अरे छत्रसाल जी के सामने कोई नहीं जीत पाएगा, तो उसके सामने मत लड़, क्योंकि उसी के पर मूसा पैगंबर एहिया की मेहर, खुदा ताला अल्लाह ताला की मेहर बरस रही है, उसी के सामने कभी भी तेरी जीत नहीं होगी, विजय नहीं होगी, तो उसके सामने मत लड़। इसलिए रणमस्त खा को भी भेजा, वो सात पड़ाव तक आगे चला गया था। फिर बादशाह ने संदेश भेजा तो वहां से फिर वो वापस आ गया। तो यहाँ भी बताया कि जिनों जिनों जैसी करी तीन सज्जा पाई तित, जैसी जैसी जिनों करी तित तार मारी उसी बखत। उसी समय जिस जिसने जिस प्रकार का बुरा कर्म किया उसी के अनुसार ही उसको सजा मिली। क्योंकि किस पर बुरी नजर की है, अक्षरातीत पर ब्रह्म और उसकी आत्माओं पर, तो सजा तो मिलने वाली थी। यहाँ धाम धनी ने कई राजाओं के माध्यम से हमको ये बताया और आगे बताया कि इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबान, तिगुन रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुन सवनाए। किसकी सिफत, इन ब्रह्म मुनियों की, कि जो ब्रह्म मुनि ये अक्षरातीत के अंग संग रहने वाली, ये अक्षरातीत के नजरों की पलकों के छत्र साया में रहने वाली, ये अक्षरातीत की एक एक अंग ये आत्मा है, उसी का कौन बिगाड़ सकते। उसकी महिमा तो पूरे संसार में फैल चुकी है, उसकी गाथा त्रिगुण भी गाते रहते हैं, तो उसका तो कौन बिगाड़ते। महामती कहे मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम पर तुम्हारी सिफत करे शुभान। महामती कहे मोमिनो, हे महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साची, अब आप अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को इस बात पर धन्यवाद दीजिए। किस बात पर, कि वे आप पर, हम सब सुंदर सात पर पल पल मेहर कर रहे हैं। और इतना नहीं, जो संसार उसी को खोजते खोजते थक गए, उसी को खोजते खोजते थक गए, उसी को दिशा नहीं मिली, वो उसको खोते खोते पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन ये अक्षराती धनी तुम्हारी महिमा गाते हैं और तुमको खोज रहे हैं। तुम्हारे पीछे वो दीवाने हैं राज जी, तुम्हारे पीछे राज जी पागल है। देखो ना, दीव बंदर से निकले, मैंने अभी बताया, नगर नगर, शहर शहर, ग्राम ग्राम, देश विदेश में भ्रमण करते करते ये धनी हमको खोजने के लिए निकले, और ये अक्षरातीत को खोजने के लिए पूरा संसार थक गया और शून्य निराकार में लीन हो गए, तो हमारी कितनी बड़ी महिमा है। ये धाम धनी ने इसलिए धन्यवाद देने के। और आगे मंगलाचरण,
मंगलाचरण किसको कहते हैं? कि जो ग्रंथ रचने वाले ग्रंथकार अपना संपूर्ण सिर से लेकर चरण तक का जो अपना शरीर का अस्तित्व लेके बैठे हैं, ये अस्तित्व एक परब्रह्म के प्रेम में डूबकर समर्पित कर दे। और समर्पित करने के बाद तो सुंदर सा जी, बाकी हमारा कोई मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं, मैं हूं तो ये हो रहा है, तो ये खुद ही राज्य की बन गई, बाकी रहिया खुदा, तो फिर हमारा तो अस्तित्व ही संसार में नहीं रहा, तो फिर तो मैं करूं ये बात ही कहां बनती। तो जो ग्रंथ अक्षरातीत की छत्र छाया में रचा जाएगा, तो सब कुछ अक्षरातीत ने ही तो लिखवाया, तो फिर सब संसार के सब जीवों के लिए वो कल्याणकारी मंगलकारी बनेगा, उसको कहते मंगला शरण। और आगे पद्मावतीपुरी धाम में जब हम पहुंचे और सुंदर साथ ने हमारे अक्षरातीत सच्चिदानंद को सभी आत्माओं ने, जो 5000 की जमात वहां पहुंची, उसमें से जो परम धाम की आत्माएं थी, ये सब ने अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान की और आठों पहर अष्ट पर दिन 64 घड़ी निस दिन पीयू पीयू कहिए, निस दिन राज राज कहिए, कह के जो रिझाया। कैसे रिझाया ये हम कल देखेंगे, कल हम अष्ट पहर शुरू करेंगे। यहां आठों पहर किस प्रकार रिझाया, एक एक पहर में ये धामधनी कल बताएंगे। लेकिन इससे पहले धामधनी ने यहां इश्क रबद से बात ली है कि मूल स्वरूप अक्षरातीत ने जब दिल में लिया, अवलक के दिल में खेल देखा और रुहन इश्क रबद खिलवत की बाता करे शयन। मूल स्वरूप अक्षरातीत ने दिल में क्या लिया कि मेर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों को खेल देखन का उपजिया ख्याल। दिल में क्या लिया कि मैं अपनी अंगनाओं को मेरे दिल की पूर्ण पहचान कराऊं, तब हक के दिल में उपजिया मैं देखाऊ अपना इश्क और देखाऊ साहेबी। रूहे जानत नहीं मुतलक, तो ये जब दिल में लिया, क्यों दिल में लिया, उसी के पीछे का भी कारण, कार्य के पीछे का कोई कारण था, और कारण के पीछे का कोई कारण महा कारण जो राजी ने दिल में लिया क्या, तो वहां अनादिकाल से दायम होत विवाद, प्रेम का रोज रबद विवाद चलता था कि हमारा प्रेम बड़ा, हम सखिया बोलती थी, श्यामा जी बोलती थी कि नहीं मेरा प्रेम बड़ा, फिर राजी क्या कहते थे कि नहीं सखिया सबसे बड़ा तो मेरा प्रेम है। लेकिन सब अपनी जगह सच थी, क्योंकि वहां परम धाम में पूरा प्रेम का पूर चल रहा है, सबके दिल में प्रेम ही प्रेम है, तो वहां तो निरूपण हो ही नहीं सकता। फिर राजी ने एक की ओर अंदर इच्छा पैदा की, दूसरी ओर अंदर चाहत क्या किया कि ना जाओ तुम खेल में ना जाओ, तीन बेर मना किया, तब हम मांगिया फेर फेर और फेर, हमने तीन बार हमको राजी ने मना किया तो भी हम मांगते रहे कि नहीं राजी ये खेल को तो देखना ही है, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिलाप, तुम ही शुद्ध दय अर्श की जो अर्श में हो आप, नर नारी बुढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा, बुझ तिन साहेब कर पूजिया यही अर्श का गुज। तब सुंदरसा जी हम सबसे पहले ब्रज में आए, तब धामधनी उतर आए अर्श से, और बाद में क्या कि तुम ही क्यों मिला, पहले हम ब्रज में आए, ब्रज में मनोरथ ना पूर्ण हुए, दूसरे दिन रास में आए, रास में भी इच्छा हमारी अधूरी रही, मूल तन में जागृत हुई परातम में, वहां जाके फिर ये रबद लेके बैठी। फिर राजी ने क्या सोचा, चलो मैं फिर तीसरी बार जागनी के ब्रह्मांड में
भेजता हूँ, तब लिया हक्के दिल में। ये जो 14 तबक, तीन में जम्बू दीप में, ये जो भरत खंड बुज रख, तीन में बीसेक देख के, ये जो खंड बुंदेल कायम सीफत तीन की, जो तीसरा तकरार लेल तामे सिरे सिरदार की, ये जो परना ठोर तीन में सीफत छत्र साल की, नहीं आवे पटंतर ओर। क्या बताया? पहले तीसरे ब्रह्मांड में जागनी के ब्रह्मांड में भेजना था, तो 14 लोक राज जी ने दिल में ले लिया, उसमें भी भरत खंड जम्बू द्वीप, उसमें भी भरत खंड, और भरत खंड में आगे क्या बताया? जो भरत खंड की अति पवित्र भूमि, भली भूमि भरत खंड की, जहाँ नीप जे निधने चल, बीजी खारी जिमी, खारा जलते मोह जल, भली भूमि। ये भरत खंड की, क्योंकि ये ऋषि मुनि पैगंबर तीर्थंकर अवतारों की ये साधना की भूमि है, यहाँ तपस्वियों की ये भूमि है, अवतारों का यहाँ प्रकटन हुआ है। इतनी पवित्र भूमि बसंत की किसने? राज्जी ने। इतना नहीं, और आगे बताया कि उसमें भी भरत खंड में भी बुंदेल खंड को सर्वश्रेष्ठ स्थान माना, उसमें भी पन्ना जी आज हमारा पद्मावती पूरी धाम है, और इसमें भी सिफत किसकी बोली? महाराज, मैं कल बताया था ने, महाराजा छत्र साल जी की, शाकुंडल की, उसी की तुलना इस संसार में कोई और ब्रह्मात्मा भी नहीं कर सकती, तो संसार के अन्य जीव कैसे कर सकते? सुंदर साची परम धाम की आत्मा वो इस जागनी लीला में आई ने, तो यहां आई जब, तब राज्जी का आवेश हुक्म, ये सब कुछ यहां का, क्योंकि यहां हुक्म का पसारा है। क्या पसारा है? हुक्म का पसारा है। सब हुक्मे हो रहा है, कहलावत करावत तुम, ख्वाब में हमारी जो नजर देख रही है, असल हमारी कहाँ है? परम धाम में। मूल तन हमारा कहाँ है? परात्म तन मूल मिलावे में। लेहरी सुख सागर की ले सीरू है अर्श, लेहरी सुख सागर की ले सीरू है अर्श, या कि स्वरूपया को देख सी, या कि स्वरूपया को देख सी, जो रूहे अरस परस। क्या बताया? लेहरी सुख सागर की चुले सी रूहे अरस परस। क्या बताया? परम धाम में राज्य के दिल की लहर रूप सुख आनंद की रूहे हम अरस परस। सुंदर साची, हम परम धाम में मूलम मिलावे में बैठे हैं, हमारा असल तन भी वहां बैठा है। हम वो नजर से अंतर आंखा तब खुले जो देखे वो नजर, हम वो नजर से इस संसार को देखे, इस संसार की नजर से नहीं मूल तन को देखना है, क्योंकि संसार की नजर तब जब तक हमारे अंदर बनी रहेगी तब तो मेरे को लगेगा कि मैं ज्योत्सना बहन हूँ, मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये पति है, ये बच्चा है, ये सगे संबंधी है, ये रिश्तेदार है, क्योंकि यहाँ तो ज्योत्सना बहन ने इस शरीर को लेकर बहुत से संबंध बना लिए, तो ये संसार की दृष्टि से नहीं देखना, परम धाम की असल दृष्टि परात्म की दृष्टि से खेल, क्योंकि खेल वहां से चल रहा है। कहां से? मूल मिलावे से। सिर्फ यहां पिक्चर दिखाई जा रही है, खेल तो मूल मिलावे से। तो जागृत बुद्धि किसको कहते हैं? कि जो हमारी परात्म की दृष्टि से हम इस खेल को देखेंगे, तो
तो ये खेल है ही नहीं कुछ, ये खेल सपना है। लेकिन हम सपना की जब हम सपना में दूसरी जगह चले जाते और जो दिखा हुआ जब हमारी नींद खुलती सपना टूट जाता, तो क्या सपना में दिखी हुई चीज वहां रहती? तो कुछ नहीं है। तो जो सपना की दृष्टि से देखेंगे तो सपना की ही बुद्धि बने रहेगी, लेकिन जागृत बुद्धि से देखेंगे तो मूल तन से देख रहे हैं। तो यहां भी बताया कि राज्य के आवेश ही हुक्म के रूप में यहां सब कुछ कर रहा है, और प्राणना जी का स्वरूप, धामधनी का स्वरूप, ब्रह्मी स्वरूप है यह की सूरत सब परम धाम की आत्माओं को प्रेम कर रहे सुंदर सा जी। और राज जी ने आगे बताया कि परम धाम में जो हम इसकी चर्चा में विस्तार से 7 दिन के प्रोग्राम में धामधनी करवाएंगे, तो बहुत ही गहरी चर्चा है इन 3-4 चौपाइयों में करूंगी। लेकिन अभी बस उसका भाव बता दूं कि परम धाम में हम जब अक्षरातीत के साथ 25 पक्ष की लीला में जो अनंत सागर के समान हम सुख लेती थी, जिसका पल पल सुख लेती थी हम सब सखिया, और अक्षरातीत जब इस संसार में आए और आज 400 वर्ष पूर्व 5000 की जमात जब पन्ना जी में पहुंची और वहां अंग संग पल पल धनी की एक एक पल का जो सुख, एक एक क्षण का जो सुख, इतना नहीं एक क्षण भी इन मोमिनों ने जो सेवा का, इन मोमिनों ने जो ये सेवा का बंगला जी दरबार के गुम्मर जी के सेवा का जो सुख ले लिया ने, उसी की बराबरी कोट राज वैकुंठ के न आवे हित के खिन समान, तो उन ब्रह्मात्माओं का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जे परम धाम, जो परम धाम में बैठे बैठे लेती थी वो इस नश्वर खेल में पल पल 10 साल तक बंगला जी दरबार में सुख लिया। इतना नहीं और आगे बताया कि जिसने एक पर ब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान कर मान कर एक क्षण का भी सुख ले लिया ने, तो सुंदर सा जी उसका वर्णन तो इस जिह्या से होता ही नहीं। ये प्राणनाथ जी की गरिमा है, ये श्री जी की महिमा है। हम प्राणनाथ जी की गरिमा को बढ़ा तो नहीं पाते। आज सुंदर सात समाज में दुख की बात तो यही, अभी की वर्तमान की स्थिति देख के मैं रोज अलग अलग रूपों में आपको समझा रही हूं, आज अलग रूप से समझाऊं सुंदर सात जी के। देखो क्या कहते हमारे समाज के, हमारा अमुक समाज क्या कहता है कि देखो प्राणनाथ जी को तो इतनी भाषा नहीं आती, आज हमने इतनी भाषाएं सीख ली। प्राणनाथ जी ने तो सिर्फ 500 जगाए सुंदर सात जुलजुलाहट की, बाकी तो जीव और ईश्वरी रही। देखो हमने तो इतने सुंदर सात को जगा दिया, और प्राणनाथ जी तो 4 या 5 देशों में घूमे होंगे, हमने तो इतने देश घूम लिए और इतनी अधिक हमने जागनी कर ली। क्या सुंदर सात जी हम समाज को क्या संदेश दे रहे, कौन प्राणनाथ है इसकी गरिमा मैं एक दिन चर्चा में जरूर सिर्फ प्राणनाथ जी पर ही लूंगी। भले अभी मैंने अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से थोड़ी कुछ ये महिमा बताई है, लेकिन एक दिन सिर्फ प्राणनाथ जी पर हम चर्चा करेंगे। इसमें आगे बताया कि 3 सहयोग की सिफत क्यों सके कोई कर, जी सुंदर सात ने अक्षरातीत प्रियतम के स्वरूप में पहचान कर स्वयं को समर्पित कर दिया। सुंदर सा जी उस मोमिनों का वर्णन इस जिह्या से, इस जुबान से नहीं हो सकता, लेकिन धामधनी का आदेश हुआ इसलिए इतना वर्णन हुआ। तो इन जी सुंदर साथ ने तन मन से ये जो सेवा की, और धामधनी ने आगे बताया कि साका विज्ञाभिनंद का बल से 1090 सवन 1735 से पहुंची शरत जो है, जब विक्रम संवत 1735 का समय था, उसके बाद 5 साल के बाद
श्री जी विक्रम सन 1740 में पन्ना पहुंचे और वहां तब ईजरी सन 1090 चल रहा था। तो इसी समय श्री जी 5000 की जमात को लेकर पन्ना जी पहुंचे और बीच में तीनों सूरतों की क्या गरिमा है, क्या महिमा है ये बताई, हमारी मोमिनों की सिफत भी धामधनी ने कैसे गाई और हम 12000 सखिया मूल मिलावे की सिफत और परम धाम की सिफत भी धामधनी ने बताई। और अंतिम हम चौपाई में बोले कि महामती कहे मोमिनो ये सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो दोई श्रवण। महामती जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय सुंदर साथ जी, हे लाडले सुंदर साथ जी, हे धाम धनी के अंग संग रहने वाले सुंदर साथ जी, प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में हमने ये मंगलाचरण सुना। इतना नहीं, अब आप अपने दोनों कानों से अष्टपहर की बीतक का वर्णन लीला रूप में हम कल सुनेंगे। और अंतिम बताया सुनियो दोई श्रवण, कैसे जैसे हमारे पूर्व 400 साल पूर्व सुंदर सात ने धामधनी अक्षरातीत की जो पूर्ण पहचान की, हम भी वही अक्षरातीत की पूर्ण स्वरूप में पहचान करके दोनों कानों से और आत्मा के कानों से सुनकर ये सुख ले। इतना कहकर वाणी को विराम दे और चौपाई दोहराए, कल हम अष्टपहर शुरू करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ। श्री महामती कहे ए मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्रणाम।